जो देश के अंदर जो आज एक स्थिति बनी है, आज हमारा देश जिस तेज गति से आगे बढ़ा है और आज फिर भारत को देश और धर्म विरोधी जो शक्तियों के षड्यंत्र हैं उसके खिलाफ हम सबको एकजुट होने की आवश्यकता है। एक बार फिर से हमको संगठित होने की आवश्यकता है। आज फिर सत्ता के लोभ में राष्ट्रहित को दांव पर लगाया जा रहा है। देश के गद्दार दुश्मन देशों का भय दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब भारत किसी से डरने वाला नहीं है, क्योंकि भारत को अब किसी से डरने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री, भारत माँ के सपूत नरेंद्र मोदी जी हैं। भाइयों बहनों, जो देश के दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारना जानते हैं और अचानक लाहौर जाकर दुश्मनों के होश उड़ाना भी जानते हैं। भाइयों बहनों, पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में हमारा पूरा भारत मजबूत होकर उभरा है। आज विश्व भर में भारत और भारतीयों का मान सम्मान बढ़ा है, स्वाभिमान बढ़ा है, हमारी पहचान बढ़ी है। आज जब भारत बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है और समझती है। एक समय था जब दुनिया के मंचों पर भारत अपनी बात भी नहीं कर पाता था, भाइयों को अपने हितों की बात भी नहीं कर पाता था। हमारी पहचान बन गई थी कि हम दब्बू भारत हैं, हम पिछलग्गू भारत हैं। आज भारत की बात सुनी भी जाती है और भारत की बात मानी भी जाती है। भाइयों बहनों, आज भारत तेजी से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। हमारी अर्थव्यवस्था जो 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था होती थी, आज 11वें नंबर से हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। हम तेजी से आगे बढ़े हैं। आज भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बृहद स्तर से आगे बढ़ रहा है। आज भारत के अंदर विश्व की हर बड़ी कंपनी अपना निवेश करना चाहती है। आज भारत के टू टीयर और थ्री टीयर शहरों में भी हवाई अड्डे बन रहे हैं। वंदे भारत मोनो रेल मेट्रो रेल जैसी आज अनेक परियोजनाएं